नमस्कार दोस्तों, मैं सुब्रतो विश्वास और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पैडिंग और मार्जिन के बीच में क्या अंतर है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पैडिंग और मार्जिन के बीच में क्या अंतर है। पैडिंग और मार्जिन का यूज एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए किया जाता है। आप दोनों का यूज़ करके अपने वेब पेज पर एक्स्ट्रा स्पेस दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह कन्फ्यूज़न होता है कि मतलब जब दोनों का यूज़ करके हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस दे सकते हैं तो किसका कब और कहां पर यूज़ करना है। तो चलिए देख लेते हैं। मेरे पास एक डेमो टेम्पलेट है, यह demo.html, इसमें मैंने Bootstrap 4 यूज़ किया हुआ है। इसमें एक सिंपल सा एक नेविगेशन बार है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ पैडिंग का यूज़ कब करना है। जब आपको एलिमेंट और कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए, तो सिंपल भाषा में कहा जाए आपको एलिमेंट के अंदर अगर आपको स्पेस चाहिए, किसी भी एलिमेंट के अंदर स्पेस चाहिए, तब आपको पैडिंग का यूज़ करना है। और अगर आपको किसी एलिमेंट के बाहर स्पेस चाहिए तब आपको मार्जिन का यूज़ करना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सबसे पहले कंटेनर ले लेते हैं। अगर मैं रिस्पॉन्सिव क्लास यूज़ करूँगा कॉल SM6, तो इसमें कुछ कंटेंट हम लोग डाल के देखते हैं और उसी से मैं आपको समझाऊंगा कि पैडिंग का यूज़ कब करना है। और कुछ यहाँ पर डमी टेक्स्ट दे देते हैं। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा डमी टेक्स्ट यहाँ पर देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, यहाँ से बीजी डार्क। ये Bootstrap 4 की जो है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है वही है। और टेक्स्ट लाइट, जिससे कि टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो ये एलिमेंट है, जो DIV एलिमेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये देखिए जो DIV एलिमेंट है जिसके अंदर ये दो कंटेंट, मतलब दो और एलिमेंट है जो कंटेंट है यहाँ पर, तो हमें क्या है कि जैसे मैं कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट के अंदर स्पेस चाहिए। देखिए यहाँ पर जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, हमें क्या है यहाँ पर एलिमेंट के अंदर स्पेस चाहिए ना कि बाहर। तो एलिमेंट के अंदर स्पेस चाहिए तो तब हमें पैडिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि ये एलिमेंट के अंदर कंटेंट है, तो इसी एलिमेंट जो पेरेंट एलिमेंट है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ पैडिंग, इसी के मैंने आपको बताया पैडिंग यूज़ करना है एलिमेंट के अंदर अगर स्पेस चाहिए 30px। ये देखिए, आप यहाँ पर अपना कस्टम क्लास भी बना सकते हैं, जैसे कि स्टाइल टैग यूज़ कर रहे हैं, मतलब CSS का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। पैडिंग 40 इस तरह क्लास बना के आप यूज़ कर सकते हैं, पैडिंग 40px। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पर ये क्लास ऐड कर देना है पैडिंग 40, जो कि हमने वहाँ पर बनाया हुआ था। ये देखिए, जो हमने यहाँ पर बनाया है इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, तो हमें अगर एलिमेंट और कंटेंट के बीच में अगर स्पेस चाहिए, मतलब या फिर बोल सकते हैं अगर एलिमेंट के अंदर स्पेस चाहिए, तब हमें पैडिंग का यूज़ करना है। और अगर एलिमेंट के बाहर स्पेस है, जब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक नेविगेशन बार है और इसके नीचे ये कंटेंट आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि दोनों एक साथ दिख रहा है, तो हमें अब क्या है कि एलिमेंट के बाहर स्पेस चाहिए, तो उसके लिए क्या है हमें मार्जिन का यूज़ करना पड़ेगा। तब हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं एक एट्रीब्यूट। फिर से मैं आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के द्वारा बता रहा हूँ और साथ में वो यहाँ पर क्लास ऐड करके बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो यहाँ पर मार्जिन चाहिए, अब जैसे आप जानते हैं, अगर आप CSS जानते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट होता है, उसी तरह पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट होता है। तो हमें यहाँ पर स्पेस चाहिए एलिमेंट के बाहर और ये टॉप में स्पेस चाहिए, मतलब ये नेविगेशन बार और ये एलिमेंट के बीच में हमें स्पेस चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्जिन टॉप 30px।
अच्छी होगी। अब ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो सिंपल ये है कि मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि एलिमेंट के बाहर जैसे स्पेस हमें चाहिए था तो हमने मार्जिन यूज़ किया था। तो इसको यहाँ पर हम लोग स्टाइल टैग के अंदर भी क्लास डिफाइन कर सकते हैं। इसको जैसे मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, एक क्लास में यहाँ पर हम लोग बनाते हैं मार्जिन 40 मार्जिन, क्योंकि हमें मार्जिन टॉप ही चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिखेंगे मार्जिन टॉप 40px और इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे मार्जिन 40। ये देखिए तो इस तरह। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर एलिमेंट के अंदर स्पेस चाहिए तो पैडिंग यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पर मेरे से DIY एलिमेंट था, एलिमेंट के अंदर यूज़ करना है, स्पेस चाहिए एलिमेंट के अंदर तो पैडिंग यूज़ कीजिए, एलिमेंट के बाहर स्पेस चाहिए तो मार्जिन यूज़ कीजिए, जैसे कि मैंने अभी मार्जिन यूज़ किया। अब यहाँ पर और एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें क्या है कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इसका जो स्टाइल शीट है उसी में क्लास डिफाइन किया हुआ है पैडिंग और मार्जिन के लिए। मैं उसको भी यूज़ करके वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पैडिंग के लिए पी हम लोग को लिखना पड़ता है, पी उसके बाद हाइफ़न देना पड़ता है, उसका ये वैल्यू है 1 से लेके 5 तक है। तो मैं यहाँ पर P-5 ये दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो ये पैडिंग देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि हमें पैडिंग चाहिए था एलिमेंट और कंटेंट के बीच में। और अब हमें मार्जिन भी चाहिए तो मार्जिन के लिए n देना पड़ता है और ये वैल्यू भी है 1 से 5 तक। तो मैं यहाँ पर 4 यूज़ करूँगा तो M-4। तो इस तरह करके हम लोग दे सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप 4 का ये जो है कुछ बाय डिफॉल्ट क्लास था, और जो आप अगर सिंपल मतलब अगर आप नॉर्मल HTML CSS यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इस वीडियो में आपको बता रहा था कि मार्जिन और पैडिंग का यूज़ कब करना है, मतलब कौन सा किस सिचुएशन में आपको मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करना है। तो इस तरह करके आप अपने वेबसाइट पर मार्जिन और पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं और इसका सही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि मार्जिन और पैडिंग का यूज़ कब करना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया कि एलिमेंट के अंदर स्पेस चाहिए तो पैडिंग का यूज़ कीजिए, और एलिमेंट के बाहर अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप मार्जिन का यूज़ कीजिए। तो इस तरह अपने वेबसाइट पर मार्जिन और पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं।